जमीन अपने नाम कराने को लेकर लालची ससुर और पति ने महिला की कुल्हाड़ी मारकर नशा से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब दोनों भागने के चक्कर में तिफरा बस स्टैंड पहुंचे थे। इस घटना के संबंध में आपको बता दें कि जमीन संबंधी विवाद को लेकर 17 अप्रैल को पत्नी से जमीन को अपने नाम कराने के विवाद होने पर पति ओम प्रकाश बंजारे, ससुर चंपालाल बंजारे ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी से शीला बंजारे के सिर पर प्रहार कर दिया और वहां से दोनों भाग निकले, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शीला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस पर सरकंडा थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी की धरपकड़ हेतु टीम गठित कर और एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में आरोपियों की पतासाजी की गई तो पता चला कि दोनों बाहर भागने की फिराक में हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मृतका को नया बस स्टैंड तिफरा के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी पति और ससुर के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया है। किया गया था जिस पर तीन चार का अपराध सब्जी रोक कर घोषणा की जा रही थी। इलाज के दौरान पीड़िता की मृत्यु होने से प्रकरण में 302 की धारा जोड़ करके आरोपियों की फसल तलाश की जा रही थी। इसी तारतम्य में आज सूचना मिली कि दोनों आरोपी नया बस स्टैंड तीसरा एरिया में भागने की फिराक में है, जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म साबित करना स्वीकार किया, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार करके रिमांड किया। प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।